अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? देखो भाई, थैंक गॉड, एक अदद मूवी का नाम है बॉलीवुड की, जिसका ट्रेलर आ चुका है। कास्ट में है अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा और रिकुल प्रीत। ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। थैंक गॉड। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं कह रहा था शुरू, स्टार्ट करते हैं। गुलशन कुमार, TCS, मारुति इंटरनेशनल है। एक्सीडेंट हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आयान कपूर। ये हो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? ये है बाईडी या भूत। मैं हूँ चित्रगुप्त और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। इसका मतलब मर गया? ना तो तुम मरे हो ना जिंदा। बीच में गए हम तुम्हारे साथ एक गेम। बीच में लटक गए। कौन सा गेम? द गेम ऑफ लाइफ। बिल्कुल डिफरेंट टोन पे सेट है कहानी। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किसकी गाड़ी तोड़ रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी नहीं, हम तो ओला से आए थे। मोटे तुम्हें तो लिफ्ट में आना नहीं चाहिए। सीढ़ी से जावे। तुम्हारी दूसरी वीकनेस जेलसी, तुम अपनी बीवी से जलते हो। कॉमेडी चीज का ब्रांच में तुम्हें बताए बिना अप्लाई कर दिया था। एंड गेस व्हाट, आई क्लियर्ड इट। नमक डाल। मेरे पास नमक कहाँ है? नहीं है तो मेरे जख्मों पे तो छिड़क ही रहना। तो हाँ, कॉमेडी को फोकस कर रही है। सिंगम होता मैं। सिंगम एक ऐसी वीकनेस जो सिर्फ तुम में नहीं हर मर्द में होती है। लस्ट, वासना, काम। पराई औरत को बहन और माँ की नजर से देखना चाहिए। तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। तुझ प्राणी खेलेगा या नर्क की आग में जलेगा, बोल। ट्रेलर में बहुत सारी चीजें मिक्स चल रही हैं। चलो, तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। इंद्र कुमार वही है ना, हमारे पास मतलब गोलमाल अगेन का डायरेक्टर था मेरे ख्याल से, वही था। 25 अक्टूबर, ठीक है। हाँ अच्छी है, ऐसा होगा। कॉमेडी इस पर सेट है और ज़्यादा कुछ सीरियस टोन नहीं है मूवी की, और मेरे ख्याल से इंटरटेनिंग होगी। इतना कोई टाइम आपका वो टाइम किल करने वाली मूवी नहीं है, इन्जॉय करोगे। फिलहाल और अजय देवगन की लुक अच्छी लग रही है, फुल जो है वो दाढ़ी बालों वालों को वाइट का टच दिया है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छा लग रहा है रकुल प्रीत पुलिस ऑफिसर वाले ड्रेस में। तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।